अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना गजनफर और आप देख रहे हैं रिजवाना गजनफर ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। जैसे कि हम जानते हैं कि तालीम किसी भी मुल्क या माशरे का एक इंतहाई अहम हिस्सा होता है। वो ये बताता है कि इस माशरे के लोग कैसे होंगे, इसका इन्हिसार होता है कि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो कैसी होंगी। इसलिए हमें, मेरा ख़्याल है कि अपने तालीमी निज़ाम पे बहुत ज़्यादा जो है वो हमें अहमियत देनी चाहिए और उसको हमें देखना चाहिए कि मुल्क में किस किस्म का तालीमी निज़ाम चल रहा है। इससे पहले मैं बात करूँगी कि जिस तरह अगर हम पिछले अदवार में देखें तो हमारे जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी लोग आए, मेरा ख़्याल है उन्होंने तालीम के शोबे को एक वो शोबा समझा कि जिस पे उन्होंने ना तो इतनी अहमियत दी और ना ही इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम हुआ है। तालीम का शोबा जो है वो रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी से मुंसलिक है कि ये वो बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है जो रियासत अपने अवाम को मुहैया करती है। अगर हम पिछले अदवार में नज़र डालें तो हम देखते हैं कि हमारा तालीमी ढांचा जो है या हमारा तालीमी सिस्टम जो है वो इस तरह से तरक्की नहीं कर सका जैसे कि उसको करनी चाहिए थी। हमारे मुल्क में इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क में तीन तरह के तालीमी निज़ाम जो है वो मौजूद है। नंबर एक, वो तालीमी निज़ाम जो मदरसों का निज़ाम है, उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है, और उसके अलावा तीसरे नंबर पर आते हैं कि वो एलीट स्कूल्स जहाँ पे तालीम जो बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो पिछले अदवार में हुआ ये कि मेरा ख्याल है कि हमने जब ये तीन तरह के तालीमी निज़ाम रखे तो हमने तीन तरह की नस्लों को जन्म दिया, हमने तीन तरह की नस्लों को ग्रो किया। एक वो बच्चे जो दीनी तालीम से तो आरास्ता होते थे लेकिन उनको दुनियावी तालीम की इतनी समझबूझ नहीं होती थी और उनको हमने लिमिटेड कर दिया कि वो सिर्फ या तो किसी मस्जिद के इमाम लग सकते हैं या कहीं तबलीग कर सकते हैं या लोगों या कुरान पाक पढ़ना या सिर्फ उन तक महदूद कर दिया। उसके अलावा उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो एलीट क्लास के हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और वहाँ से उन्होंने जो है वो इंग्लिश बोलना और उनके तौर तरीक़ों को सीखा। और एक आ जाती है हमारे वो बच्चे जिन्होंने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा। अब जाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, पढ़ाई का वो मेयार नहीं है, वहाँ पर उनको तालीम तो दी जाती है लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ना साइंस लैब होती हैं, ना वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स होती हैं, उतनी सहूलतें मुयस्सर नहीं होती हैं। तो अगरचे कि उन्हें बहुत टैलेंट होता है लेकिन बाज़ोकात ये होता ही है कि वो बच्चे उन ज़रूरियात से महरूम होने की वजह से, उन सहूलतों से महरूम होने की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या तालीमी मैदान में उतना आगे नहीं जा सकते। अब आ जाते हैं कि जो हमारी ये प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, जाहिर है वहाँ पे हर तरह का सिस्टम मौजूद होता है, हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, कंप्यूटर लैब होती हैं और उसके अलावा जो अगर साइंस के हिसाब से देखें तो उनको हर चीज़ें मुयस्सर आती हैं। तो होता ये है कि वही बच्चे जब पढ़ने के बाद फील्ड में जाते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, मे बी के उसको एक अपने सब्जेक्ट बड़ी उसको कमांड है लेकिन वो बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो उसके कंपैरेटिवली उस बच्चे को अहमियत दी जाती है जो कि अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। अगर जो कि उसको अपने सब्जेक्ट उतनी कमांड नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो नौजवान फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। और इस तरह हम ये देखते हैं कि हमारे ये जो एक लफ्ज़ अक्सर मैं सुनती हूँ हमारी सोसाइटी में, एंग्री मैन, वो एंग्री मैन क्या होता है कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड नौजवान होता है कि जिसको पता होता है कि उसके अंदर काबिलियत है, वो ये सब कुछ कर सकता है लेकिन जब वो फील्ड में जाता है तो उसका जब कॉम्पिटिशन में वो जाता है तो उसके मुकाबले में जो दूसरा बच्चा है जो प्राइवेट सेक्टर से तालीम हासिल करके आया है, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसको फोकियत दी जाती है। तो उसमें वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, वहाँ बच्चों में जो है वो ये चीज़ डेवलप होती है। फिर कितने बच्चे नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे मंशियात की तरफ चले जाते हैं, कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं कि जिनको हमारे ऐसे लोग हैं कि जो उन्हें गुमराह कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से हमारे माशरे में ये सारी बुराइयों को जन्म देती है, लेकिन उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हम तीन तरह के, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले कहा कि हम तीन तरह की जनरेशन को जो है वो हम ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों को, इसके ऊपर ओवरकम
आने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन ज़रिया यही है कि मुल्क में जो है वो एक ही तरह का तालीमी निज़ाम हो, एक ही तरह के जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, मुल्क के हर सूबे में हर जगह उनको एक ही तरह की तालीम दी जाए। और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के जो सिलेबस है, अब हम क्या देखते हैं कि मैं बात करूँगी जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं कि उसमें आप सिर्फ ना तो आपकी कोई कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है, ना आपको एथिक्स मॉरल्स वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। आपका फोकस होता है कि आप बच्चों को सिर्फ इंग्लिश बोलना या उस चीज़ में आप उनको जो है वो सिखा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे एथिक्स हैं, वो सारी चीज़ों की उनको उस तरह से नहीं सिखाया जाता, जिसकी कि हमें मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो हमारा कल्चर है, हमें उस हिसाब से अपने बच्चों को बनाना है, उनको एक पाकिस्तानी बनाने के लिए, उनमें एक वतन से मोहब्बत डेवलप करने के लिए उनको उन सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब वो बच्चा जो बाहर के या वो उन स्कूलों के सिलेबस को पढ़ता है, देखिए अमेरिका, लंदन या अगर हम सिंगापुर के जो सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो एक तरह से हम वो हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारी तालीम नहीं है। हम अपने बच्चों को अगर वो तालीम दे रहे हैं तो आप समझ लें कि हमने उनसे वो सिस्टम उधार लिया हुआ है, हम एक सिस्टम उधार लेके अपने कल्चर में वो तालीम दे रहे हैं, हमारे सिस्टम से, हमारे फैमिली सिस्टम से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि उस वक्त हम भूल गए, और जब ये सिस्टम आए, ये प्राइवेट स्कूल्स आए, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो तालीमी निज़ाम है उसमें हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। और वो दौड़ क्या है? वो दौड़ है अच्छे ग्रेड्स लेने की दौड़ है, या हम ये देखते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, किसकी कितनी ब्रांचेज़ है, कहाँ पर कौन सा सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत मरूब करती हैं। और वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, वो भी अपनी जो है ना गुंजाइश से बढ़कर अपने बच्चों को उन स्कूलों में डालते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में पीछे ना रह जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वजह बनती हैं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत परेशानी का बाइस बनती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें अपने जो कहते हैं ना कि अपने ब्रेड एंड बटर से भी बढ़ के उनको अपने बच्चों को तालीम देने की शौक में उनको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसकी वजह यही थी कि देखिए, मुल्क में एक तालीमी निज़ाम होता, एक जैसी पढ़ाई होती, एक जैसा निज़ाम होता, तो शायद हमें ये परेशानियाँ ना झेलनी पड़ती। आज अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स इस काबिल होते या वहाँ पे इतनी अच्छी तालीम दी जा रही होती, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों का रुख ना करते। और इसमें बात वही है कि जो पिछली हुकूमतें आई हैं उन्होंने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, और इस वजह से मशरूम्स की तरह हम देखते हैं कि हमारे वो एक तो एलीट क्लास के इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक वो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल जो मशरूम्स की तरह आपको गली मोहल्लों में नज़र आएंगे। अब इस हवाले से बात करने के बाद मैं आपसे एक और बात करूंगी कि अगर हम बैरूनी ममालिक में देखें कि आप देखें कि जो तालीमी निज़ाम की अहमियत के हवाले से बात करूंगी कि जिस तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जापान में जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब जापान के ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगी, तो जो वहाँ पे जब उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही थी तो हर चीज़ पे हुआ कि जी आपने ये काम ऐसे करना है, जमहूरी निज़ाम वहाँ पे लाया गया सब, लेकिन जब वहाँ पे ये बात की गई कि आपका तालीमी निज़ाम हम ख़ुद बनाएंगे, आपका तालीमी सिस्टम हम जो है वो आपको बना के देंगे, तो वहाँ पे जापानियों ने ये कहा कि अगर आप ये इस बात पे आते हैं तो हम आपसे दोबारा जंग करेंगे। यानी आप सोचें कि उस कंडीशन में भी जो है वो उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम में हम किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो हम अपना तालीमी निज़ाम ख़ुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ें उसमें बताएंगे अपने बच्चों को जो हमारे वतन के हिसाब से, हमारे जो है कल्चर के हिसाब से होंगी। तो अब उस चीज़ से मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि वाकई कितनी अहमियत है। अहमियत तो पहले भी पता थी, लेकिन इस चीज़ से और हुआ कि वाकई तालीमी निज़ाम जो है वो किसी भी मुल्क और रियासत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
और इसी तरह टर्की में हम देखते हैं कि जब वहाँ पे भी सेकुलर निज़ाम को कायम किया गया और उन वहाँ पे तो यहाँ तक हो गया था कि अजान भी देने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके कोई 30-40-50 साल के बाद फिर उन्होंने ऐसे जो है वो इदारे बनाए, ऐसे स्कूल्स बनाए जिसमें इस्लामी तालीमात भी दी जाती थी और दुनियावी तालीमात भी दी जाती थी। बल्कि सैयद उर्दुगान साहब हैं, उन्होंने भी वहीं से तालीम हासिल की, और ऐसे बहुत सारे लोग जो अब लीडर हैं तो उन्होंने उन्हीं स्कूलों से तालीम हासिल की, और आज वो जो है वो अपने मुल्क से उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो जब तक हम अपने सिस्टम में नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर वो जो एक होती है ना पाकिस्तानियत या वो एक वतन से मोहब्बत, जब हम अपने लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब हमारे कितने हीरो हैं अभी जो मुल्क में जो मौजूदा निज़ाम तालीम राइज है वो नौजवानों के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का बायस भी है और एक तबकाती तकसीम भी पैदा कर रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी हुकूमत ने सोचा है कि हम जो है वो एक तालीमी निज़ाम को बना का 2 साल से इसके ऊपर काम हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और 2021 अप्रैल में जो है वो उसको हम नाफिस भी करना शुरू करेंगे, जिसके के कुछ मराहिल हैं। पहले मरहले में जो है वो नर्सरी क्लास से लेके जो है वो नर्सरी क्लास में हम ये इस निज़ाम को राइज करेंगे, दूसरे मरहले में क्लास 1 से लेके 5वीं क्लास तक जो है वो ये निसाब जो है वो तब्दील किया जाएगा, फिर 2022 में जो है वो 5वीं से लेके 8वीं तक जो है वो नया निसाब लाया जाएगा, और 2023 में 8वीं से 12वीं जमात तक जो है वो नया निसाब लाया जाएगा। और उस निसाब की खासियत ये होगी कि सबसे पहली बात तो कि उसमें जो है कुरानी तालीमात और अहदीस को भी शामिल किया गया है, कोर्स में शामिल किया गया है, और उसके साथ जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाएगा वहाँ तर्जुमे के साथ जो है वो कुरान का जो तर्जुमा है वो भी निसाब में शामिल होगा और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। निसाब में शामिल जो चीज़ें हैं उनको मैं आप बता सकती हूँ कि उसमें एक तो कुरान सुन्नत और जो है अहादीस कुरान सुन्नत की तालीमात हैं, उसके अलावा कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के अफकार से रिलेटेड जो है वो उसमें चीज़ें शामिल की जाएंगी, और जिन्स रंग नस्ल और मज़हब के हवाले से रवादारी और एक दूसरे से जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस निसाब में शामिल की जा रही हैं। बाकी तो वही चीज़ें होंगी जिस तरह हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, माशरती उलूम है, इस्लामियात है, वो इस तरह से पढ़ाया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चे जब एक जैसा निज़ाम तालीम में तालीम हासिल करेंगे तो उनकी सोच भी एक जैसी होगी, और काफ़ी चीज़ें जो बाइस परेशानी होती हैं तो उनसे हम बच जाएंगे, उनमें वो कौम से मोहब्बत का, वतन से मोहब्बत का जज्बा भी पैदा होगा। और इस्लामी तालीमात जो हैं वो देखें, इस्लाम एक मज़हब भी है और असल में अगर हम बात करें तो इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है। और अगर हमने जो निसाब में इस्लामी तालीमात को शामिल किया है उसका मकसद यही है कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो उसको ज़िंदगी गुजारने के वो तरीके बताए जाएँ, आपस की मोहब्बत जाए, उसको पता हो कि झूठ बोलना, रिश्वत लेना या किसी के साथ ज्यादती करना, धोखा करना, फरेब करना, ये कितनी बड़ी बुराइयां हैं, और एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा, रवादारी, भाईचारा, ये सब हमें मसावात, ये सारे उसूल जो हैं वो हमें इस्लामी तालीमात से ही हासिल होते हैं। तो एक अच्छे बच्चों को माशरे का एक फ़ाल और अच्छा इंसान बनाने के लिए जहाँ हम उनको बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो नो डाउट कि हमें उनको ये चीज़ें भी बतानी चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी कौम बनने का ज़रिया होती हैं कि जहाँ पे लोगों में बेहिसी ना हो, जहाँ लोग एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल करें। और इसी वजह से हमने ऐसी ख़ास तौर पे जो हमारी जूनियर स्कूल है ना, जो क्लास 5 तक हमने बच्चों में ऐसी स्टोरीज़ उनके सिलेबस में शामिल की हैं कि जो उन्हें एक अच्छा शहरी भी बनाए, जिसमें बहुत सारे, क्योंकि जो पहले 10 साल होते हैं वो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट साल होते हैं कि उसकी जो भी शख्सियत और पर्सनल
पर्सनालिटी बनना होती है वो 10 सालों में बन जाती है। इस वजह से जो प्राइमरी स्कूलिंग है उस पर ज़्यादा, उसके सिलेबस पर ज़्यादा हमने फोकस किया है और उसमें हमने ऐसी कहानियाँ रखी हैं जो सबक आमोज हों, जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीखें। तहरीक इंसाफ का इस वक्त फोकस ये है कि तमाम बच्चों को म्यारी तालीम की सहूलत मैसर हो, उसके अलावा उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, उसके लिए भी काम हो रहा है, और उसके अलावा ये है कि एक निसाब तालीम जो है वो लाया जाए जिसके के ऊपर काम हो रहा है। हमें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो हमारा ये इनिशिएटिव है एक निसाब का, इसके ऊपर हमें काफ़ी मज़ाहमत का सामना है और वो इस तरह से जो है वो अखबारों में भी इसके लिए लिखवाया जा रहा है और अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव हमारी पार्टी ने लिया है या गवर्नमेंट ने लिया है, ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह आगे जाके जो हम 10-15 साल बाद जो है वो इसके नताइज उस सिम्त में आपको नज़र आएंगे कि जब हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी सोच एक होगी, उनकी अपने वतन से मोहब्बत भी होगी, तो इंशाल्लाह ये जो एक निसाब का सिस्टम है, क्योंकि हम देखें कोई भी मुल्क हो, चाहे आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, तो हर कौम ने तरक्की की है, रशिया ने तरक्की की है, अपनी जितने भी मुल्क हैं, चाहे हम बाहर के मुल्कों की मिसाल ले लें या जो भी मिसाल ले लें, उन्होंने अपनी ही ज़बान में पढ़ के आज वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। तो हमें अपने बच्चों को अपने बारे में, अपने मुल्क कौम के बारे में, अपने कल्चर के बारे में पढ़ाना चाहिए। और ये कि इसके साथ ही मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगी कि इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी और हमें अपने अवाम का भी साथ चाहिए कि वो इसको सपोर्ट करें, ताकि हम तीन तरह की नस्लों को जनरेट ना करें बल्कि एक तरह की नस्लों को जनरेट करें। क्योंकि हमारा हदफ ये है कि हम मदरसे के बच्चों को भी दीनी तालीम देना चाहते हैं, ताकि वो भी पढ़ ले, वो भी जब आगे जाएं तो वो एक फाल शहरी बने। सिर्फ उनके नसीब में ये ना हो कि उन्होंने किसी मस्जिद का इमाम ही बनना है, बल्कि वो कहीं नौकरी करें, वो कहीं कंप्यूटर की जॉब भी करें, वो किसी और तरह की जॉब करें। और वो बच्चे जो शायद पढ़ाई में इतना काबिलियत ना हासिल कर सके, तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का जो है इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, ताकि वो जिस तरह ये होता है इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, रेफ्रिजरेटर ठीक करना, गाड़ियाँ ठीक करना, तो उनके लिए भी एक अच्छा मुस्तकबिल उनके सामने हो। और इसके लिए आप जानते हैं कि जिस तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का हर बच्चा, हर नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, और उसमें ऐसी स्किल्स पैदा हों कि वो जो है वो अपने लिए खुद कुछ करे और वो जो है वो एक फाल शहरी बने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। शुक्रिया।